इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को जरूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो इसे harissultan.com से मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह के मजीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। तो ये आप लोगों की बेबसी है, लेकिन फिक्र ना करें, बड़े स्पीड से धड़ाधड़ लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो उसके ऊपर ये एक स्टडी हुई है, बड़ी एडवांस स्टडी। ईरान में अभी अकॉर्डिंग टू अ न्यू पोल, 4 decades, और 50,000 लोगों पे मुश्तमिल था ये पोल, 4 decades आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इस्लामिक रिजीम, ओनली 32% ऑफ द पॉपुलेशन कंसिडर्स देमसेल्व्स शिया मुस्लिम। सिर्फ 32% लोग अपने आप को शिया समझते हैं अब ईरान में। हमने अभी भी, आप विकिपीडिया में जाए वहां पे लिखा होगा 90%, 90%, 90%। सिर्फ 32%, 32% लोग हैं जो अपने आप को शिया समझते हैं। और 90% ऑफ 50,000 ईरानियन पार्टिसिपेंट, यानी 50,000 लोगों में से 90% लोगों ने जो इस पोल में हिस्सा लिया, वो 90% ईरानी जो थे वो ईरान में रहते हैं। और इसकी एक्यूरेसी जो है 95% है। जितने भी पोल होते हैं उनकी ये एक्यूरेसी होती है, और एक एक्सेप्टेंस रेट होता है, रेट ऑफ एरर होता है। तो 95% ये एक्यूरेट है। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, 78% ऑफ ईरानियंस बिलीव इन सम गॉड, बट ओनली 26% ऑफ देम बिलीव इन द कमिंग ऑफ द मसाया, यानी इमाम मेहदी। सिर्फ 26% लोग जो है वो इमाम मेहदी पे यकीन रखते हैं, जो कि शिया इस्लाम का मेन है, मेन उनका बिलीफ है ये। वो सुनियों से भी ज्यादा इस बात पे यकीन रखते हैं। 32% ऑफ ईरानियन जो है वो अपने आप को शिया मुस्लिम कंसीडर करते हैं, ये तो हो गया। 9% हैव क्लेम्ड, 9% जो है वो अपने आप को एथियस्ट कहते हैं, और 22% जो है वो किसी भी रिलीजन से नहीं जोड़ता। तो यानी तकरीबन 22 + 9 कितना हो गया, ये हो गया 31%। यानी 31% लोग जो है वो एथियस्ट है, एथियस्ट यानी उनका किसी मजहब पे यकीन नहीं है। अब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यूज टू बिलीव दैट बट डज नॉट एनी मोर, यानी आधे लोग जो हैं, आधे ईरान की पॉपुलेशन के आधे लोग अब मजहब पे यकीन रखते थे लेकिन अब नहीं रखते। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यूज टू बिलीव बट डज नॉट एनी मोर, एंड 6% हैव कन्वर्टेड टू न्यू रिलीजन, और में से 6% लोग हैं जो दूसरे मजहब में चले गए। तो ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, बड़ी जबरदस्त तहलका अमेज, बड़ी इसने ट्विटर वगैरह पे शोर मचाया हुआ है, और ये बड़ी तहलका खेज इंकशाफ स्टडी आई है। तो अब मैं देख रहा था सुनियों ने हमला किया हुआ था ट्विटर पे, ये तो शिया है, शिया तो मुसलमान ही नहीं होते, तो शिया भी तुम्हारे बारे में यही कहते हैं कि तुम लोग भी मुसलमान नहीं होते। और खैर उसके ऊपर एक दोबारा डिटेल से करूंगा। पिछले साल BBC का एक बड़ी डिटेल्ड सर्वे हुआ था अरब कंट्रीज का, उसमें भी जितने मुल्कों को देखा वहां पे एथियज्म बड़ी तेजी से फैल रहा है, 10-10%, 15-15% कुछ मुल्कों में फैला, मोरक्को वगैरह में, ट्यूनिजिया में। तो भाई इस्लाम खतरे में है। अब ये उड़न घोड़े और अर्श पानी पे तैर रहा था, अब बीले आके काबे को ऊपर, वो हाथियों के ऊपर कंकरियां फेंकती थी, वो खाया हुआ भूसे जैसे बन गए हाथी। अब ये कहानियां नहीं बिकनी, चांद के 2 टुकड़े हो गए जाकिर नाइक जैसे लोग, ओहो ये चूरन अब नहीं बिकना। आप 21वीं सदी में बच्चों को कैसे बताओगे, ये कैसे लोगों को ये समझाओगे, नहीं हो सकता ये। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे PayPal या Patreon पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।